फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यकूलूना रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान। ए लोग जेड़े मेरे नबी जी दे सहाबा तो बाद ईमान ले करके आए, ईमान अंदर जिवें जिवें सबकत ले जान वाले, पहले पहले ईमान ले आने वाले उन्हां दे बारे जेड़े बाद अंदर ईमान ले करके आए वो दुआ करदे ने। पहले सुनन तिरमिज़ी दी हदीस सुन लो, मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लाने वाले सब तो पहले बच्चियां विचों मौला अली ने, और जनाब जवानां विचों प्यारे अबू बकर सिद्दीक ने, औरतां दे विचों सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, यानी सब तो पहले मौला अली ईमान ले करके आए, सब तो पहले मौला सिद्दीक ईमान ले करके आए। मगर फर्क गए कि बचपन अंदर ईमान लाने वाले मौला अली ने ना, और जवानी अंदर ईमान ले आने वाले मौला सिद्दीक ने। हुण हदीस नू समझ चुके, हुण आयत नू इसे तरह समझांदा चला जावां। मौला उमर ईमान ले आने अंदर बाद अंदर आए थे, हजरत उमर आखण अल्लाह मैनू भी मुआफ़ फरमाते, मौला अली मौला सिद्दीक नू भी मुआफ़ फरमाए। अल्लाह अल्लाह, जिवें जिवें ईमान ले आने वाले ईमान ले आंदे चले गए, उवें उवें अली और सिद्दीक दे बारे बख्शिश दियां दुआवां करदे चले गए। अल्लाह अल्लाह, प्यारे उस्मान आए अर्ज करदे ने अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, हजरत तलाओ ज़ुबैर आए दुआवां करदे ने अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए। ए वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यकूलून रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान। इस आयत दा तर्जमा हो रहा है, हजरत उमर आए आखदे ने अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, हजरत उस्मान आए अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, हजरत तला और ज़ुबैर आए अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, हजरत जनाब साद सईद आए अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, हजरत बिलाल आए अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, हजरत खुबैब व खुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम आए अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, हजरत हसन व हुसैन आए अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, सारे सहाबा दिल अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, सारे ताबईन आखदे ने अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, सारे तबा ताबईन आखदे ने अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, सारे आइम्मा किराम आखदे ने अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, सारे उलमाए इकराम आखदे ने अल्लाह अल्लाह अली और सिद्दीक नू मुआफ़ फरमाए, सारे आने अली और सिद्दीक दे बारे मुआफ़ी तलब की है। फिर मन मेरे वीर मौला अली भी अल्लाह देखा बख्शे होए, मौला सिद्दीक भी अल्लाह दियाँ मुआफ़ियाँ पा चुके ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह, मेरे वीर अगे अल्लाह का ऐलान होया, ये तो सिर्फ अद्धी आयत का तर्जमा होया, अगे अल्लाह फरमा देने वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਮਾਨ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਸਿੱਦੀਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਹਾਬਾ, ਜੂੰ ਜੂੰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੁਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਵਾਲਾ تجعل في قلوبنا غلا, अल्लाह साडे दिलां अंदर कीना ना पावी, साडे दिलां अंदर बुगज ना रखी, साडे दिलां अंदर हसद ना होवे। किन्ना वास्ते, लिल्लज़ीना आमनो, जेड़े ईमान ले आए अल्लाह उन्हां वास्ते साडे दिलां अंदर ना ते बुगज़ होवे, ना हसद ते ना कीना होवे। अल्लाह साडे तो पहले ईमान लेने वाले नु माफ फरमावी और अल्लाह सुने उन्हां दे बारे साडे दिल अंदर को कीना ना रखी। हुण पूरी आयत नु अगर वेख्या जावे ते जेड़े बाद अंदर ईमान ले आए ओ मोमिन, ते जेड़े पहले ईमान ले आ चुके ओ साबिका मोमिन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ये तो साबिका तो मुराद ही नहीं लिया जाएगा के बाद अंदर माज़ अल्लाह मुर्ताद हो गए। साबका तो मुराद पहले ईमान ले आने वाले दे बारे अंदर, बाद वाले ईमान ले आने वाले दुआवां करदे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, यानी जो अली ओ सिद्दीक दे बारे दुआ करेगा ओ मोमिन होएगा। ये पूरी आयत का खुलासा है। जो अली ओ सिद्दीक दे बारे बुगज रखेगा वह कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता, यानी मोमिन मोमिना दे बारे दुआ करते ने। जेड़ा मोमिन अपने आप नखे अली ओ सिद्दीक दे बारे जरूर दुआ करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे वीर, इस तरह भी अली ओ सिद्दीक सुन के, मौला अली सोने नबी दे चचेरे भाई, मौला सिद्दीक सोने नबी दे दीनी भाई। अल्लाह अकबर, निस्बतां वेखो, निस्बतां दा जनाब अंदाजा लगाते चले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जनाबे अली दे घर अंदर प्यारे नबी जी दी बेटी, प्यारे नबी जी दे घर अंदर सोने सिद्दीक दी बेटी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जनाबे अली दामाद मुस्तफा सोने सिद्दीक ससरे मुस्तफा, मेरे नबी जी दे सोहरा पाक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मौला अली मौला अली, हेवे मौला अली दिया अखा भी पाक, ते अखा ते लगन वाला सोने मुहम्मद दा लब भी पाक, हेवे मेरे सिद्दीक दी एड़ी भी पाक, ते एड़ी ते लगन वाला सोने मुहम्मद दा लब भी पाक। साली ओ सिद्दीक, आली ओ सिद्दीक, नवा नवी लाओ नवान सुन दे चले जाना। मौला अली दे घर अंदर जन्नती औरतां दी सरदार, जिन्हां नूं सय्यदा बीबी फातिमा आख्या जांदा है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। पर मेरे नबी जी दी बीवी सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ओ बीवी जिन्हां दा घर जन्नत दे पड़ोस अंदर है, जन्नत दे टुकड़े दे पड़ोस अंदर है। हुजूर ने फरमाया, मा बैना बैती मिंबरी रौज़ातुन मिन रियाज़िल जन्ना। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो टुकड़ा मेरे घर ते मेरे मिंबर दे दरमियान है, यानी बैन दा माना दरमियान वाला होया करदा है, इंज नहीं आखना के हुजूर दा घर जो है वह भी जन्नत दे अंदर शामिल है। इंज आखांगे, जन्नत दे टुकड़े दा पड़ोस मिलिया ते सय्यदा अम्मा जान आयशा नूं मिले।
गया। इवें जनाब जन्नती औरतां दियां सरदार बनियां ते सय्यदा फातिमा बनियां, जिवें मौला अली सय्यदा फातिमा दे शौहर बने, इवें जनाब मेरे सिद्दीक दी बेटी दे शौहर जनाब मुहम्मद मुस्तफा बने। अली ओ सिद्दीक, अली ओ सिद्दीक। भाई बड़ी आरक रेजी आरक रेजी नाले मजमून तैयार किया अल्लाह दे फजल दे नाल। मैं चाहना मोहब्बत एवें होवे कि प्यार मोहब्बत दी पींग पै जाए और मोहब्बत दे नाल झूम उठिए ते जांदे होया इयो जुबान ते होवे अली ओ सिद्दीक, अली ओ सिद्दीक, अली ओ सिद्दीक रज़ी अल्लाहु रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा। इसे तरह ते किसे अल्लाह वाले ने जड़ियां लाइया कि जो खुलाफाए मुस्तफा बनने की बारी थी, जो खुलाफाए मुस्तफा बनने की बारी थी तो नंबर पहला ही आया सिद्दीक अकबर का, जब अहमद मुस्तफा ने इस्लाम फैलाया तो बच्चों में पहला ही नंबर आया मेरे हैदर का। अलीयो सिद्दीक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हुन कुरान मजीद दा दूसरा मुकाम अल्लाह दा ऐलान होया, फरमाया वस्सबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। फरमाया जेड़े मुहाजरीन और अंसार दे विच्चों ईमान ले आने अंदर सबकत हासिल कर गए, यानी मुहाजरां दे विच्चों मौला अली ने बच्चियां दे विच्चों पहले ईमान ले आंदा। और जनाब अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, मौला सिद्दीक ने जवाना दे विच्चों पहले ईमान ले आंदा। इस आयत दे अंदर भी इयो बात ही पता चलती है अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह के हजरत अबू बकर और प्यारे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन। इस आयत तय्यबा दे हिस्से दे मुस्तहिक बने अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। इत्थे बस नहीं मेरे वीर, जिन्हां ने ईमान सब तो पहले ले आंदा मुहाजिरीन ते अंसार दे उत्ते, फिर उन्हां दी इत्तबा करदे होया अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीन تبعوهم بإحسان। जिन्हां ने मुहाजरीन और अंसार दे ईमान दी पैरवी की थी, जिमें जिमें मुहाजरीन ते अंसार ईमान ले आए उमें उमें उन्हां तो बाद अंदर आने वाले उन्हां दी पैरवी अंदर उन्हां दी ईमान दी नकल मार दे चले गए अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह। या फिर इंज समझ लो जिमें अली ओ सिद्दीक ईमान लेकर के आए, अगर मेरा तेरा भी ईमान उंज दे, अल्लाह ने सारे वास्ते कोई नाम रखे है। फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ूअल, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ूअल, यानी जिमें अली ओ सिद्दीक उन्हां ते अल्लाह राजी, जेड़ा उन्हां दे ईमान दी नकल मारे अल्लाह उन्हां ते भी राजी। अल्लाह अकबर। ए आपस अंदर वेखो जरा अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे वीर अली ओ सिद्दीक अपने रब नाल राजी ते उन्हां दा रब उन्हां नाल राजी। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे वीर अली ओ सिद्दीक दा आपस अंदर प्यार ऐसे करके इन्हां नूं अल्लाह इन्हां नाल अल्लाह नूं भी प्यार। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। अली ओ सिद्दीक, अली ओ सिद्दीक, अली ओ सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा।
सुनना दरा अल्लाह अकबर। एक प्यार ते मोहब्बत वाला वाकया इस किस्म का भी सुनादा चला जावा। मुस्नद अहमद अंदर बात मौजूद है, सैयदना उकबा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला नो बयान फरमा दे, मेरे और तुआडे पीर जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात दे चंद दिन बाद प्यारे उकबा फरमा दे ने मैं घरों बाहर निकलिया, मैं की वेखदा के अली ते सिद्दीक नाल नाल टुरदे जा रहे ने। हजरत उकबा ने बड़ा प्यारा मंजर वेख्या, ये मंजर वो है जिदी अकासी अल्लाह दा कुरान कर दे रुहमा उबैनहुम आपस अंदर शीरो शकर आपस अंदर प्यार और मोहब्बत करने वाले। हजरत उकबा फरमाते ने मैनू याद नहीं हजरत सिद्दीक दे सज्जे या खब्बे पासे प्यारे अली चल रहे ने। मेरे वीर इस तो बात समझ आई, सहाबा सारे दे सारे आदिल ने जिन्नी गल सहाबी नू याद है ना उन्नी गल ही बयान की, नहीं आख्या अपने कोलों नहीं आख छड़िया कि हजरत अली सजे पासे जा रहे सन, सहाबी नू नहीं याद ते आख्या अल्लाह आलम या शायद सजे पासे सन या खब्बे पासे सन। ये तो पता चलिया सहाबा सारे दे सारे आदिल और सहाबा सारे दे सारे सच्ची बात करन वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। सुनना जरा हजरत उकबा फरमा देने कि एवें प्यारे अली सोने सिद्दीक नाल चलते जा रहे ने, मेरी मोहब्बत दा विजदान बोलिया अली ओ सिद्दीक दुनिया ते वी नाल नाल ते जन्नत अंदर वी नाल नाल अली ओ सिद्दीक। हजरत उकबा फरमा दे ने प्यारे अबू बकर चलते चले जा रहे ने, नाल सोने अली जा रहे ने, रस्ते अंदर हजरत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा प्यारे हसन हजरत अली दे लखते जिगर नवास रसूल सोने हसन खेल रहे ने, बच्चे ने ना बच्चियां दे नाल खेल दे नजर आए। प्यारे अबू बकर ने हजरत हसन नु पकड़िया उठाया ते अपने कंधियां ते बिठा लिया। इत्थे भी मैं मोहब्बत भरिया विजदान क्यों ना लिया मैं, जिवें हजरत हसन नु नाना मुहम्मद अपने कंधियां ते चाया करदे सन, लखते जिगर हजरत अली नु इवें जनाब सोने मुहम्मद अपने कंधे ते उठाया करदे सन, एवें नाना सिद्दीक सोने अली दे लाडले नू लाड लडा दिया गोया अपने कंधियां ते उठाई फिरदे ने। अली ओ सिद्दीक हजरत अबू बकर ने एवें प्यारे हसन नू उठाया, फरमाते ने हसन तू मैनू बड़ा प्यारा लगदा है, बड़ा सोहना लगदा है, क्यों जो तू मैनू सोने अली दा बेटा ही नहीं लगदा, तू मैनू सोने मुहम्मद दे मुशाबे लगदा है। तेरी मुशाबियत प्यारे अली नाल नहीं, तेरी मुशाबियत सोने मुहम्मद नाल मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते हजरत अबू बकर नू दुश्मनी होंदी ते गुस्सा कर देना, पर मुसनद अहमद अंदर आंदा है प्यारे अली मुस्कुरा पे, हजरत अली खुश होने लग गए, तबस्सुम फरमान लग गए। अली ओ सिद्दीक सुन ला मेरे वीर तवज्जो फरमाना है, मुहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे प्यारे मुहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह अर्ज कर देने, बाबा अली सब तो ज्यादा अफजल केड़ा बंदा है जो सुने मुहम्मद दे बाद होवे, तुहाडे नजदीक सब तो ज्यादा फजीलत वाला है सुने मुहम्मद दे बाद केड़ा बंदा है। हजरत अबू हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नो फरमा देने ए बेटा सुने मुहम्मद दे बाद मैनू अगर सब तो ज्यादा फजीलत वाला नजर आंदा है ते मेरा सिद्दीक नजर आंदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल मान रहे ने। फिर मैं इंज भी एवें छड़ियां लावां, मैं सिर्फ हदीस ते नहीं बयान करनियां, मैं तुहानू बात ए समझाना चाहना है जेड़ा मौला अली नू अपना पीर मनदा है ओ सोने सिद्दीक नू अपना पीर मने, क्यों जो मौला अली ने सोने सिद्दीक नू अपना पीर मनिया, जेड़ा मौला अली दे नाल मुहब्बत रखण वाला है ओ प्यारे
प्यारे सिद्दीक लाल मोहब्बत रखे, क्यों जो प्यारे अली ने सोने सिद्दीक लाल मोहब्बत रखी। जेड़ा मौला अली नू अफजल जानदा है वह सोने मुहम्मद दे बाद प्यारे अबू बकर सिद्दीक नू अफजल जाने, क्यों जो अली जो सिद्दीक होवे ते आपस अंदर प्यार ना होवे ते मेरा उनवान ही अधूरा है। अली ओ सिद्दीक, अली ओ सिद्दीक, अली ओ सिद्दीक رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے ویر توجہ کرنا ذرا غور فرمان دے چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے، یہ بھی بات مسند احمد اندر ہے، پیارے ابو جحیفہ فرمان دینے، لوگو پیارے نبی جی دے بعد سب تو زیادہ فضیلت والا اگے میں سمجھدا سا تے پیارے علی نو، مگر ایک دن پیارے علی فرما دینے اے ابو جحیفہ کہ ایک میں قیمتی بات تینوں نہ سناواں، ایک بڑا اہم تحفہ تینوں نہ دیندا چلا جاواں۔ کیوں نہیں پیارے علی جی، کیوں نہیں مینوں اس اہم ترین تحفے دے نال نوازو، اس خوبصورت تحفے نال ضرور نوازو۔ پیارے علی فرما دے لے اے ابو جحیفہ سونے نبی دے بعد سونے صدیق افضل نے۔ حضرت علی بیان فرما رہے نے کہ نانو سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پھر میں کیوں نہ آکھدا چلا جاواں میرے علی منبر و محراب تے ہون تے آکھن صدیق افضل نے، میرے علی محفل و مجلس اندر ہون تے آکھن صدیق افضل نے، میرے علی خطبہ خطاب ارشاد فرماؤن تے ایویں آکھن کہ صدیق افضل نے، میرے علی اپنے شاگرداں اندر ہون تے فرماؤن صدیق صدیق افضل، صدیق افضل، صدیق افضل، علی و صدیق، علی و صدیق، علی و صدیق۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پھر پیار تے محبت دا وجدان کچھ اس انداز نال وی سناندا چلا جاواں کہ علی تے صدیق دی بڑی اعلی شان جے، علی تے صدیق دی بڑی اعلی شان جے، اینا دوواں دا دشمن لعین شیطان جے، علی تے صدیق اک دوجے دی جان جے، رحما بینہم دتی گواہی آ، علی تے صدیق دوویں بھائی بھائی آ، تائیوں تے قاری تیرے اج دھم پائی آ، علی و صدیق، علی و صدیق، علی و صدیق۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پھر میرے ویر نبی و صدیق اندر میں کہ اس طرح بھی بات بیان کی تھی کہ نبی دی نبوت تے صدیق نو اعتماد تے صدیق دی صداقت تے نبی نو اعتماد۔ اللہ اللہ۔ اوتھے ایک میں واقعہ بیان کیتا، شاید یاد ہووے کہ بنی اسرائیل دا بندہ ایویں بکریاں چرا رہا ہے تے ایک جنا بھیڑیاں آندا ہے تے آ کر کے ایک بکری نو لپک لیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اے ایالی نے اپنی بکری چھڑوائی ہے تے بھیڑیا جاندا ہویا ایویں آواز لگاندا چلا جاندا ہے، کہندا ہے اے چرواہے اج تے تو اس بکری نو میرے تو بچا لیا، ایک دن قرب قیامت انج دا آئے گا کہ ہر شخص ہر شے درندہ ہو چکی ہوئے گی، اودوں انہاں بکریاں دا چرواہا میں ہوواں گا، اودوں کون انہاں بکریاں نو بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ بول اٹھے سبحان اللہ۔ پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کر دینے حضور اللہ نے بھیڑیے نو بھی قوت گویائی عطا فرمائی، حضور فرما دینے صحابہ میں میرا صدیق تے میرا عمر اس بات تے ایمان رکھتے ہاں کہ اللہ بھیڑیے نو درندے نو بولنا سکھانا چاہے تو انو بلا سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ راوی بیان فرما دینے اس مجلس اندر پیارے نبی جی تشریف فرمانے مگر نہ حضرت ابو بکر موجود نے نہ پیارے عمر موجود نے، حضرت نبی پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
हजरत अबू बकर दे ईमान की गवाही दी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने ईमान की गवाही दी, यानी नबी नू सिद्दीक ते फारूक ते एतमाद है और सिद्दीको फारूक नू नबी ते एतमाद है। इस तरह अज एक मैं पॉइंट बयान करना चाहता कि जिमें नबी दी नबुवत ते सिद्दीक नू एतमाद है, एवें सिद्दीक दी सदाकत ते नबी नू एतमाद है। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह ते इत्थे इंज वी जड़ियां लाइए कि जनाब अली नू सिद्दीक दी सदाकत ते एतमाद है, सिद्दीक सच्चे ने प्यारे अली नू एतमाद है, सिर्फ कोलों गल्लां ही नहीं सिर्फ और सिर्फ कोलों बातां ही नहीं करनियां। इहदे ते दलील भी मुसनद अहमद अंदर प्यारे मौला अली फरमांदे ने, जदों मैं प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों हुजूर दे मुख मुबारक विचों मुंह मुबारक विचों हुजूर दी हदीस सुनदा है, मैनू अल्लाह जितना फायदा अता फरमाना चाहते मैं उस हदीस तो फायदा उठा लैंदा, मगर जदों मैं किसी होर बंदे तो हुजूर दी हदीस सुनदा है मैं उहदे तो अल्लाह की कसम लैंदा कि तू वाकई हदीस सुनिए हुजूर तो कि नहीं। अल्लाह अल्लाह जदों तई अगला बंदा कसम ना उठाता मैं उसते यकीन ही ना कर रहा है, मगर प्यारे अबू बकर जदों भी मैनू हदीस बयान कर दे फहदसनी अबू बकरिया व सदक अबू बकरिया फहदसनी अबू बकरिया व सदक अबू बकरिया। मौला अली फरमांदे ने जदों भी मैनू प्यारे सिद्दीक ने हजूर दी हदीस बयान फरमाई मैं कदी भी हजरत अबू बकर तो कसम नहीं उठवाई, क्यों जो मैनू यकीन है सिद्दीक सदाकत वाला है, सिद्दीक दे सदाकत दे एतमाद है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मौला अली नू सिद्दीक दे नाल डाढ़ा ही प्यार है और प्यारे सिद्दीक नू मौला अली दे नाल डाढ़ा प्यार है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे वीर फजाइले सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दी किताबे ना मौला अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह सोने सिद्दीक अकबर ते रहम फरमाए कि जिन्हां नू सब तो पहले कुरान मजीद नू दो गथे अंदर बंद फरमाया, यानी प्यारे अबू बकर ने ना सब तो पहले कुरान मजीद नू जिल्द करवाया दो गथे अंदर बंद फरमाया। हजरत अली दुआ दे रहे ने फरमा दे ने अल्लाह अल्लाह सोने सिद्दीक अकबर ते रहम फरमा। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह। अली ओ सिद्दीक ज़ियाए तैयबा अपना सर अकीदत से झुका देती है, ज़ियाए तैयबा अपना सर अकीदत से झुका देती है, सुनाए जब कोई नगमा सिद्दीक को है दरगाह। अली ओ सिद्दीक भाई आखिरी आखिरी बातें बयान कर दे चले जाइए। बुखारी शरीफ दी हदीस है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमा देने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे अबू लोलो फिरोज मजूसी ने हमला किया है, प्यारे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत हो जाती है, उन लोगों अंदर मौला उमर नाम लिखवा जाते हैं जिन्हों के बारे अल्लाह का कुरान बोल रहा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। प्यारे उमर ने इवें शहादत दे के अपनी जान दे के ते जन्नत दा सौदा कर लिया है। हजरत उमर शहीद हो जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैं उन लोगों अंदर खड़ा जो प्यारे उमर द
ਦੀ ਮਈਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਣੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਈਤ ਬੰਨੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਰਹਮੁਕੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਤੇਰੇ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਏ, ਏ ਉਮਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਵੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਨਾਬ ਇਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮੀ 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 ਆਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਪੜੋਸ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਜਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੱਯਦਾ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਛੋੜੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਏ ਉਮਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਯੰਤਿਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਹਯੂਨ ਯੂਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਕਦਸ ਅਤਹਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਫਾਲਤੁ ਵਾਬੂ ਬਕਰਿਮ ਵਾਮਰੁ ਵੰਤਲਕਤੁ ਵਾਬੂ ਬਕਰਿਮ ਵਾਮਰੁ ਵਫਾਲਤੁ ਵਾਬੂ ਬਕਰਿਮ ਵਾਮਰੁ ਵਕੁੰਤੁ ਵਾਬੂ ਬਕਰਿਮ ਵਾਮਰੁ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਉਹ ਸਿੱਦੀਕ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਅਲੀ ਉਹ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਉਹ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਇਮਾਨ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ। ਅਲੀ ਉਹ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਨਤੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਸਤਵੀ ਮਿਨਕੁਮ ਮਨ ਅਨਫਕ ਮਿਨ ਕਬਲ ਅਲਫਤਹ ਵਕਾਤਲ ਉਲਾਇਕਾ أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਬੜਾ ਆਲਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਗਰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਯਸਤਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਗਜ਼ਵਾਤ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਨਾਬ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੰਗਾਂ
जंगा कीतियां, जो कताल कीते लड़ाइयां लड़ियां, ओ जनाब दोवे बराबर नहीं ने। नाल अगे अल्लाह फरमांदे ने ओ लाइका आज़म दराजा, ये सारे अजीम दराजात वाले ने, सब तो ज्यादा अजमत वाले अजीम दराजात वाले ने, ते फतह मक्का तो पहले ही मान ले आने वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। नाल ही अगे अल्लाह करीम ने फरमाया ये दोवें जन्नती ने, दोवें ईमान वाले ने, जो फतह मक्का तो पहले ईमान लै करके आए, जो फतह मक्का दे बाद ईमान लै करके आए। अली और सिद्दीक फतह मक्का तो पहले ईमान लै करके आए, इन्हों तो बाद अंदर ईमान ले आने वाले उलाइकाज़म दराजा दे अंदर शामिल नहीं। हाँ उन अंदर शामिल ने अली और सिद्दीक ईमान वाले, फतह मक्का तो पहले ईमान ले आने वाले ईमान वाले, उसके बाद जो ईमान ले करके आए वह भी ईमान वाले, मगर दोवां दा जोड़ नहीं है, लेकिन नतीजा इको है। वा कुल्लन अदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने जन्नत दा वादा फरमा छड़िया है। चाहे को फतह मक्का तो पहले ईमान लै करके आया, चाहे को फतह मक्का दे बाद ईमान लै करके आया। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह। यानी अली ओ सिद्दीक मुहाजरां दे विच्चों ईमान पहला ले आन ते रजिस्टर्ड जन्नती बन जान। मौला अली मौला सिद्दीक इवें जनाब सब तो पहले बचपन अंदर सोने सिद अली ईमान लै करके आन, जवाना अंदर हजरत अबू बकर ईमान लै करके आन, ते जन्नती रजिस्टर जन्नती को जान। ते जिहड़े फतह मक्का तो पहले ईमान लै करके आए, उन्हां विच्चों भी सब तो पहले ईमान ले आने वाले मेरे अली मेरे सिद्दीक बने ने, ते रजिस्टर्ड जन्नती हो गए। जिहड़ा इन्हां ते जन्नती हुण अंदर शक करे, उन्हां दा जन्नती होना मशकूक है। मेरे वीर माए रबी अव्वल चल रहे है, रबी अव्वल का महीना जा रहा है, मैं इस महीना के अंदर अली और सिद्दीक बयान कर रहे हैं। बयान करने का मकसद है गए सोने नबी जी की शान होवे, असी माए रबी अव्वल नहीं वेखते, माए रबी अव्वल तो बाद और पहले भी सोने मुहम्मद की शान दियाँ तुम्मा पाते रहने हैं। और जनाब जदों सहाबा की अजमत दीवारी आवे, अहले बैत की अजमत दीवारी आवे, असी माए मुहर्रम नहीं वेखते, सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम के अंदर सोने नबी जी दे सहाबा दियां अजमतां दे फरेरे बुलंद नहीं करते। असी जदों भी सानू अल्लाह मौका अता फरमावे, जदों भी अल्लाह तौफीक अता फरमावे, सोने नबी जी दी अजमत ते भी धुम्मा पाते रहने, सोने नबी जी दे सहाबा ते भी अजमत दियां धुम्मा पाते रहने, अजमत आले बैत भी सुनाते रहने। मेरे वीर जेड़ा मौला अली दे नाल बुगज रखे ओ नासबीए जहन्नमीए, जेड़ा मौला सिद्दीक दे नाल बुगज ते इनाद रखे ओ जनाब राफजीए ते जहन्नमीए। सहाबा दे नाल आले बैत दे नाल साडा प्यार है, साडी मोहब्बत है, जेदा कोई मुकाबला नहीं हो सकदा है। मेरे वीर एवें तिनी अल्लाह ने फरमाया फा इन आमनु बिमिस्लिमा बिमिस्लिमा तुम भी फकदी तदऊ, के ए मुसलमानो जदों तक अली ओ सिद्दीक और बाकी सहाबा दे ईमान वर्गा तुहाडा ईमान नहीं होएगा, उदों तक तुहाडा ईमान काबले कबूल नहीं होएगा, जदों तक जन्नत जावण वास्ते ईमान तुहाडा सोने अली सोने सिद्दीक अकबर वर्गा नहीं होएगा, उदों तक तुसीं जन्नत दे जाण दे काबिल नहीं बनोगे। अली ओ सिद्दीक अली ओ सिद्दीक। मेरे वीर मेरे भाई बातें तो बहुत सारिया, मगर इंज अपनी बात को मुका कि अली ते सिद्दीक दोवें जन्नती सरदार नी, अली ते सिद्दीक दोवे जन्नती सरदार नी, इना सरदारा ताई सानू प्यार नी,
इना सरदारा ताई सानू प्यार नी, असा मोमना दे दिला दे करार नी, इन्हां दे उबदारा लई खैर ते भलाईया, तायो तकारी तेरे अज दुम पाईया, अली ते सिद्दीक दोवें भाई भाईया, तायो तकारी तेरे अली ओ सिद्दीक, अली ओ सिद्दीक, अली ओ सिद्दीक, अली ओ सिद्दीक।